हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट से देखिए क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलपीपी। ठीक है, एलपीपी का हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम हमें फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकली, फंक्शन में, लिनियर फंक्शन में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक है, आपको कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या है, प्रॉफिट दिया है कंपनी का, कोई लॉस है, कोई मनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, मतलब गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस, कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे सोप का प्रोडक्ट है, तो कंपनी सोप यहाँ पे बेच रही है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकली, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड, जेड से हम उसे डिनोट करते हैं, जेड। ठीक है, ये जेड आपको ध्यान रखना है। अभी दो कंपनी के प्रोडक्ट है, एक है सोप का है और एक दूसरा कोई जैसा डेटॉल जैसा एक सोप है और दूसरा एक संतूर जैसा सोप है। दोनों कंपनी सेल कर रही है, लेकिन एक में प्रॉफिट कितना हो रहा है, दो दूसरे में कितना हो रहा है, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स वो पीसेस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चर कितने कर रही है, तो ऐसे टॉपिक के ऊपर, जैसे रिकॉर्ड बुक हम कर रहे हैं, कोई टैबलेट की कंपनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, तो जैसे ये प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, तो उसके हम क्या है, उसका जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये देखेंगे हम, इसमें रुपए का ये आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, उसे हम जेड कहेंगे। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट क्या है, ये हम इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी मतलब क्या है यहाँ पे, अभी जैसे मैंने सोप का बताया कि एक डेटॉल का है और संतूर का है, तो दोनों को कितने कितने यहाँ पे, जैसे कि नंबर ऑफ पीसेस, जैसे कम करेंगे, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है और एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेलीविजन सेट कितने ये प्रोड्यूस करेगी, ए टाइप की, बी टाइप की, जैसे कि मॉडल है अलग अलग प्रकार के, तो कितने कहेंगी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कंपनी की क्षमता कितनी है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इनइक्वालिटीज कैसे कहेंगे। ठीक है, हमें जो प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में यहाँ फॉर्मुलेट करना रहता है। तो इनइक्वालिटी जैसे लेस देयर इक्वल टू और ग्रेटर देयर इक्वल टू जैसे रहेंगे, ये सिंबल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, लास्ट का थर्ड पॉइंट है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, वो आप सपोज एक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दूसरे को वाई कंसिडर करेंगे, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो प्रोडक्ट होगी, ये प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी तो कोई ना कोई तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ये यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, इसे कहते हैं नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप उसे एक्स वन एंड वाई वन भी कह सकते हैं, एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई वन इज ग्रेटर देन 0, ये शॉर्टकट में मैंने बताया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिनोट करते हैं जेड से, कंस्ट्रेंट जैसे हम इनइक्वालिटी जैसे लिखते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने इनइक्वालिटी देखे पहले के एक्सरसाइज में, तो वैसे ही यहाँ पे इनइक्वालिटी हमें लिखना है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन तो सभी में रहेगा, क्योंकि और ये तो नेगेटिव जैसा फोर्स का भी नेगेटिव होता है, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, रेडियस नेवर नेगेटिव, वैसा ही ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो हमने लिया है, मतलब जो प्रोडक्ट हम देने वाले हैं, क्यों और कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये कोई कुछ तो मैन्युफैक्चर होगा, इसलिए ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी इसके ऊपर एक्सरसाइज 7.3 जो है, ये पूरी डिपेंड है, हम एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे अभी, वर्ड प्रॉब्लम है पूरे उसमें। अभी देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे क्या करना है, हमें करना क्या है, पहले ये ध्यान मेरे को पहले निकलना है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है क्या है, पहले कंसिडर करना है क्या प्रोडक्ट दिया है, कुछ नहीं है, क्या कैसे करना है हमें, और कंस्टेंट कैसे निकालना है, और लास्ट में हमें ये दो ही चीजें हमें यहाँ पे निकलनी है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन तो सभी में रहेगा, तो स्टार्टिंग में हमें लिखना पड़ेगा। देखो पहले एग्जाम्पल देखो क्या है, अ मैन्युफैक्चर फॉर्म प्रोड्यूस
मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स, ठीक है, ए एंड बी, मतलब दो प्रकार के गैजेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, विच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री एंड देन सेंड टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग। मतलब क्या है, फाउंड्री में ये प्रोड्यूस प्रोसेस कर रही है, लेकिन उसे फिनिशिंग के लिए मशीन में दूसरी मशीन भेज रही है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मैन हावर्स ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड इन ईच शॉप, मतलब शॉप में उसको फिनिशिंग के लिए भेज रही है, नीचे हमें टेबल भी दिया है, ठीक है, देखेंगे आगे। रिक्वायर इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन हावर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज शोन बिलो, मतलब नंबर ऑफ मैन हावर्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, और द नंबर ऑफ मैन हावर्स ऑफ लेबर रिक्वायर ईच शॉप, मतलब एक शॉप को कितने चाहिए, ये हमें यहाँ पे दिया है। देखो गैजेट एक वन है, फाउंड्री मतलब क्या है, यहाँ जैसे धातु मेटल, मेटल की कंपनी है, मेटल का यहाँ पे कुछ बना रही है, जैसे कि जैसे हम कहेंगे ऑपरेटर्स बना रही है, कुछ मेटल के कुछ चीजें बना रही है, उसको फिनिशिंग के दूसरे कंपनी में, दूसरे शॉप में भेज रही है, शॉप में भेज रही है फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन हावर्स ऑफ लेबर्स कितने रहेंगे ये भी दिया है हमें, और अवेलेबल कितने हमारे पास ये भी दिया है, ठीक है। तो गैजेट ए के लिए फाउंड्री मतलब ये मेटल की कितने कंपनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर 10 है, और मशीन शॉप कितने हैं तो 5 है। गैजेट बी के लिए कितना है, गैजेट बी के लिए 6 फाउंड्री है और मशीन शॉप है 5। टोटल अवेलेबिलिटी टाइम अवेलेबल कितना है, मतलब ये टाइम, ये जो प्रोडक्ट है ये गैजेट तैयार करने के लिए टाइम कितना अवेलेबल है, फाउंड्री में लगता है सपोज 60 आवर्स, ठीक है, एंड मशीन शॉप में लगता है 35 आवर्स, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज आर एस 30 एंड बी इज 20, मतलब ए का प्रॉफिट कितना है, ए अगर गैजेट हम सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट है 30, ठीक है, आर एस 30, एंड बी का अगर हम सेल करेंगे गैजेट तो आर एस 20 पर यूनिट है। फार्मुलेट एल बी पी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सब सिंपल छोटा सॉल्यूशन रहता है, लेट x, ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट x, ठीक है, तो यहाँ पे ए गैजेट सपोज प्रोड्यूस करेंगे नंबर ऑफ x, ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ गैजेट ए, ठीक है, गैजेट ए, गैजेट ए, एक्स को हमने क्या किया, एक्स सपोज गैजेट ए फॉर कंपनी द नंबर ऑफ गैजेट ए प्रोड्यूस बाय द फर्म बी एक्स, मतलब यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, तब हमने क्या किया, प्रोड्यूस करी एक्स, तो गैजेट एक्स गैजेट प्रोड्यूस करी है ए के, ठीक है, और वाई गैजेट प्रोड्यूस कर रही है एंड वाई विद द नंबर ऑफ गैजेट, ठीक है, गैजेट बी, मतलब वाई प्रोड्यूस करिए बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ इसको एक्स वाई लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग बोला था जिसमें प्रॉफिट रुपए होगा उसमें यहाँ पे जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, देयरफॉर कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे यही लिखना हमें, ऑन सेल ऑफ ए आर एस 30, क्या हो रहा है, आर एस 30 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन ए, ठीक है, और ऑन सेल ऑफ बी, ठीक है, आर एस 20 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन बी, ठीक है, प्रॉफिट ऑन बी। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिखना है हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या रहेगा, 30x + 20y, तो ये 30x + 20y ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। अभी इसे क्या करना है, हमें गैजेट जो दिए ऊपर हमें इसका हमें फॉर्मेट करना है, तो कंस्ट्रेंट निकालना है, ठीक है, कंस्ट्रेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैजेट ए एंड बी, तो इसको ये थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ फाउंड्री और नीचे लिखता हूँ मशीन, ठीक है, मशीन शॉप कितने, अब गैजेट कितने हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे गैजेट लिखता हूँ मैं ऊपर, गैजेट पर दो प्रकार के गैजेट है, गैजेट ए, गैजेट्स ए, इसे कहते हैं हमने एक्स,
गैजेट बी, गैजेट बी इसे, गैजेट बी इसे कहा हमने वार, ठीक है। अब टोटल हावर्स कितने हमारे पास, टोटल हावर्स, ठीक है, टोटल हावर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसका चार्ट बनाएंगे हम ऐसे, और उसके बाद में उसको कंस्टेंट के फॉर्म में उसको लिख देंगे। ओके, तो ये क्या होगा देखो, अभी थोड़ा चार्ट आप अच्छी तरह से बना लीजिए। ओके, यहाँ पे लाइन और होगी, फॉन्ट्री का नीचे होना चाहिए थोड़ा। ओके, अभी देखो फॉन्ट्री जो हमारे पास टोटल कितना है, तो यहाँ पे है 10। ओके, फॉन्ड्री और गैजेट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे कितना लिखना हमें, गैजेट ऑफ एक्स है फॉन्ड्री 10 है, और गैजेट ऑफ वाई, वाई कितना है, वाई है 6, और मशीन शॉप कितना है, मशीन शॉप यहाँ पे देखो दिया है ऊपर इंच, ये 5 4, ठीक है 5 4। टोटल अवेलेबिलिटी कितना है फॉन्ड्री के लिए, देखो ये है 60, इधर है 35, मैंने सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल लिख दिया, हाँ 60 एंड 35। देखो गैजेट ए फाउंड्री बनाने के लिए 10 है हमारे पास, और गैजेट बी में कितना है 46 है, और टोटल हावर्स कितने हैं 60 hours, मशीन शॉप के लिए 5, गैजेट ए के लिए, गैजेट बी के लिए 4 एंड 35 टोटल हावर हमें मशीन शॉप में बिताने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिनिशिंग के लिए लगेंगे। अब इसको सिर्फ एक्स वाई लगा देना, ये हो गया कंस्टेंट। देखो कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है 10x प्लस 6y, मतलब गैजेट ए एंड गैजेट बी फाउंड्री में जितना कितना लगेगा ये, तो 10 10 एंड 6 है। अभी यहाँ पे लिखना है आपको लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू 60, मैक्सिमाइज अगर प्रॉब्लम है तो लेस देन इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब मैक्सिमम कितना है, तो ये 60 है, ठीक है, मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 60, 60 और 60 से कम मैक्सिमम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल 60, दूसरा जो कॉन्स्ट आएगा 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 35, ये हो गए हमारे कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट में आपने लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिर्फ आपको क्या करना है, दो दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये, तो ये आपको फॉर्मुलेट करना है सिर्फ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैंने बोला प्रॉफिट है लॉस है, तो ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है रुपये है, तो कितना ये गेन कर रहा है, तो जेड इक्वल लिखना है, और कंस्टेंट जो है आपको सिर्फ यहाँ पे इन इक्विटी बना के आपको यहाँ पे छोड़ देना है उसको, तो ज्यादा कुछ थेरोटिकल लिखने की जरूरत नहीं उसमें। चलो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा। सेकेंड प्रॉब्लम देखो क्या है, सेकंड प्रॉब्लम आ गया। ओके, अ कैटल ब्रीडिंग फॉर्म, मतलब ये जैसे जानवरों का, जैसे एनिमल का फॉर्म है, इट इज प्रिस्क्राइब दैट फूड रेशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब ये एनिमल मस्ट कंटेन क्या है, 14 यूनिट 14 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स A, B and C respectively, two different kinds of fodder are available each unit of these two contain the following amount of these three nutrients. The nutrient दिया हमें A, B, C, fodder दिया है 1, 2, ठीक है, तो fodder 1, fodder 2 दिया है यहाँ पे, fodder 1, fodder 2. The cost of fodder 1 is ₹3 and the per unit that of fodder 2 is ₹2, ठीक है। तो फॉर्मुलेट दे लिखी भी, देखो यहाँ पे कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया मैंने, मतलब जब बोला यहाँ पे रुपये जब जाएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी, यहाँ पे एक्स को देखेंगे फोर्डर वन, हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट वैसे वैसे नीचे बनाया, तो एक्स इसे कह देंगे, वाई उसे करेंगे, ठीक है। क्या कर दिया हमने, अभी यहाँ पे कॉस्ट दिया है हमें, तो लेट एक्स बी द फोर्डर वन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फोर्डर वन एंड वाई बी द फोर्डर टू, ठीक। अभी प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट दिया है, द कॉस्ट ऑफ फोर्डर वन, ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ फोर्डर वन, फोर्डर वन कितना है ₹3, एंड द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ फोर्डर टू, ठीक है, फोर्डर टू कितना है कॉस्ट, ये है ₹2 का, और ₹2 आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ₹2, ओके, ऊपर लिखते थोड़ा। अभी देखो यहाँ पे फोर्डर वन को मैंने एक्स कर दिया, फोर्डर वाई को, फोर्डर टू को वाई कर दिया, प्रॉफिट यहाँ पे कॉस्ट दिया है, कॉस्ट मतलब यहाँ पे देयरफॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहेगा हमारा जेड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं
3x प्लस 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y हो गया। अभी हमें कंस्टेंट निकालना है, ठीक है, कंस्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, न्यूट्रिएंट ए के लिए फोटोर वन है टू, और फोटोर वन के लिए न्यूट्रिएंट ए कितना, फोटोर वन में टू है, फोटोर टू में वन है, फोटोर बी कितना है, न्यूट्रिएंट बी फोटोर वन में टू, ठीक है, टू यूनिट सबको याद दिया है, तो यह कि फोटो वन, ठीक है, ये क्या दिया, रेशन ऑफ वन एनिमल मस्ट कंटेन 14 यूनिट्स ऑफ 14 20 22 और 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवेलेबल कितना है, थोड़ा न्यूट्रिएंट ए के लिए कितना, न्यूट्रिएंट ए कितना अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये चार्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे वैसे वैसे रखता हूँ, ये आगे आपको नीचे लिखना है, एक मैं यहाँ पे उसको अटैच कर देता हूँ, ठीक है, यही चार्ट अपने क्या कर देता हूँ, उसको अटैच कर लेता। देखो यार यहाँ पे क्या लिखना है हमें, देखो प्रिस्क्राइब मतलब कितना अवेलेबल कितना है हमारे पास, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, फोटो क्या चाहिए हमें, तो मस्ट कंटेन मतलब इतना चाहिए न्यूट्रिएंट ए में, न्यूट्रिएंट बी में, न्यूट्रिएंट सी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, मैक्सिमम मिनिमाइज है, मिनिमाइज मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट ए के लिए 14 है, यहाँ पे 22 और यहाँ पे है 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे 20। अभी इसको हमें कंस्टेंट बनाना है, सिर्फ इसको एक्स वाई लगा देना है, ठीक है, अभी ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम, मिनिमम है तो यहाँ पे देयरफॉर कंस्टेंट क्या लिखेंगे हम, कंस्टेंट कंस्टेंट क्या लिखना है, ओके, तो ये पहला जो है यहाँ पे 2x प्लस वाई, वन है तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है आपको 14, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, ठीक है। थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखना है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लास्ट में लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है, चार्ट आपको नीचे और लिखेंगे आप, और एक्स भी दो मतलब वन फोटो वन है, और वाई भी दो फोटो टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार हमने सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे कर, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ केमिकल ए एंड बी, ईच केमिकल रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू, मतलब कंपनी क्या कर रही है, दो टाइप के केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रही है, और उसके क्या है, टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर पी एंड क्यू, ठीक है, दो प्रकार के रॉ मटेरियल उसको चाहिए। द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ यूनिट पी क्यू रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी एंड टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन दिया है। द कंपनी गेट्स प्रॉफिट RS 350 एंड RS 400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या करना, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर सो दैट द कंपनी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट 100 LPP टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, एलपीपी वैसा ही दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो लेट एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मैन्युफैक्चर टू केमिकल सेलिंग 1 यूनिट ऑफ बी, अज्यूम दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ केमिकल, ठीक है, लेट एक्स बी द यूनिट्स ऑफ केमिकल, यूनिट्स ऑफ केमिकल फॉर ए, ठीक है, एक्स चाहिए सपोज ए के लिए, एंड वाई बी द यूनिट्स ऑफ केमिकल, वाई बी द यूनिट्स ऑफ केमिकल फॉर बी के। तो बी ए एंड बी क्या है हमारे पास, ए एंड बी टू टाइप्स ऑफ केमिकल है, ठीक है, रिक्वायर्स यहाँ पे क्या मटेरियल पी एंड क्यू यहाँ पे दिया है हमें, तो लेकिन डेट क्या करते हैं हम, एक्स बी द यूनिट्स ऑफ केमिकल ए फॉर ए के लिए, वाई बी द केमिकल यूनिट्स ऑफ केमिकल बी के लिए। यहाँ पे देखो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया, जब भी दिखेगा आपको कॉस्ट दिखेगी, कोई वैल्यू दिखेगी, प्राइस दिखेगी, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहां पे लिख देना है। देयरफॉर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप सकते हैं, द कंपनी गेट्स प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट RS 300 एंड RS 400 बाय सेलिंग सेलिंग 1 यूनिट ऑफ, 1 यूनिट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो 1 यूनिट ऑफ मतलब 300 एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फोर जेड इज इक्वल कितना आ गया, ये 300 एक्स प्लस 400 वाई,
ओके ये हो गया। अभी ये क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे टेबल जो लिखा है आपने, वही टेबल हमने नीचे लिखना है, इसको लिखना है एक्स और इसको कर देना है वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें, तो इसको हम कंस्टेंट कर लेते हैं। देखो कंस्टेंट जो रहेगी, कंस्टेंट ये टेबल आपको नीचे लिखना है और उसके बाद में ये लिखना है कंस्टेंट क्या रहेगा। देखो यहाँ पे रहेगा 3x+2y इज लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये 120। मैक्सिमम जब आएगा तब लेस देन इक्वल टू, मिनिमम आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, अवेलेबल कितना है मैक्सिमम, तो ये लेस देन इक्वल टू मतलब ये इस यहाँ पे मैक्सिमम ये अवेलेबल, मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये 120, तो इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है। अगर मिनिमम रहता तो मिनिमम, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम कितना ये हम बता नहीं सकते, इसलिए मिनिमम है तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे। सेकंड जो है यहाँ पे, सेकंड क्या आएगा देखो, 2x+5y, 2x+5y इज लेस देन इक्वल टू 160, ठीक है, मतलब ये 160 ज्यादा नहीं, इसलिए लेस देन इक्वल टू, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, ये हो गया कंस्टेंट। और नॉन निगेटिव डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पे आप लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमारा। ओके चलो आगे चलते एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। चलो एग्जाम्पल नंबर फोर देखो, अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स टू टाइप्स ऑफ मैगजीन ए एंड बी, द कंपनी अर्न्स ₹10 एंड ₹15 ऑन मैगजीन्स ए एंड बी पर कॉपी, मतलब कंपनी दो प्रकार के मैगजीन प्रिंट कर रही है ए एंड बी, द कंपनी अर्न्स ₹10 एंड ₹15, मतलब एक के ₹10 और दूसरे के ₹15 कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट यहाँ पे ले रही है। द दीज आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यहाँ पे क्या था, 3 मशीन पे ये प्रोसेस हो रहा है। मैक्सिमम ए रिक्वायर 2 आवर, मैक्सिमम बी रिक्वायर 1.5 आवर, मैक्सिमम टू रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मशीन के ऊपर, मशीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो मशीन मैक्सिमम ए रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन वन, 5 आवर्स ऑन मशीन टू एंड 2 आवर्स ऑन मशीन थ्री, ऐसा दिया हमें, और बी रिक्वायर 3 आवर्स, तो ए बी के हमें दो तीन मशीन के ऊपर कितना टाइम लगता है, ये हमें यहाँ पे दिया है 6 आवर है। मशीन वन टू थ्री मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आर अवेलेबल फॉर 30, 50 एंड 60 आवर पर वीक रिस्पेक्टिवली, फॉर्मुलेट द एलबीपी, मतलब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है ये भी हमें दिया है, मशीन कितनी है 3 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी दिया है, और कितना टाइम लग रहा है ये भी दिया है। हमें यहाँ पे चार्ट एक बनाना है, तो यहाँ पे चार्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो चार्ट कैसे बनाते हैं, लेट कंपनी, ठीक है, मैगजीन मैगजीन ए, ठीक है, मैगजीन ए क्या कर रहा है, मैगजीन ए हम यहाँ लिखेंगे, तो मैगजीन ए प्रिंट्स, लेट यहाँ पहले मैगजीन ए प्रिंट्स एक्स, ठीक है, एक्स कॉपी सपोज यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स मैगजीन ए, एक्स मैगजीन ऑफ टाइप ए, ठीक है, फॉर टाइप मैगजीन ए, मैगजीन ए प्रिंट्स एक्स, ठीक है, प्रिंट्स फॉर एक्स यहाँ पे लिखेंगे, और मैगजीन बी जो है, दोनों मैगजीन है हमारे पास, दो मैगजीन बी प्रिंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट्स कॉपी कॉपी और वाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम वाई लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई दोनों ले लिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चार्ट बनाना, प्रॉफिट दिया हमें ऑलरेडी दिया है, तो कंपनी अर्न्स मतलब यहाँ पे कंपनी कमा रही है 10 एंड, ठीक है, मैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा जेड इज इक्वल टू 10x+15y, ये होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी एक चार्ट बनाएंगे, चलो देखो कितने मशीन, कितने में मशीन, मशीन टाइप भी आप लिखता हूँ, तो मैगजीन टाइप लिखता हूँ, मैगजीन के तीन मैगजीन, दो प्रकार के मैगजीन है ए एंड बी, ओके मैगजीन लिखता हूँ यहाँ पे मैगजीन, ठीक है, मैगजीन टाइप, और इसके साइड में लिखता हूँ यहाँ पे मशीन टाइप, मशीन, ठीक है, मशीन टाइप, और एक ऐसा ही इसको एक चार्ट बना देते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, इस साइड लिखना है मैगजीन और इस साइड लिखना है मशीन, तो ये मैगजीन टाइप है इस साइड आएगा और मशीन टाइप है इस साइड आएगा। मशीन हमारे पास कितने टाइप के हैं, मशीन फर्स्ट है, मशीन सेकंड है और मशीन थर्ड है, तो 3 टाइप की मशीन हमारे पास है, ये मैंने लिख दिया, ओके।
अभी ऊपर क्या मैगजीन ए है, ठीक है, मैगजीन हमारे दो प्रकार के, मैगजीन ए, जैसे मैगजीन ए को क्या कहा हमने एक्स, ठीक है, और मैगजीन बी है, मैगजीन बी इसे कहा हमने वाई, और टोटल अवेलेबिलिटी कितना है, अवेलेबल टाइम पर वीक, ठीक है, अवेलेबल टाइम पर वीक, ठीक है, पर वीक, अवेलेबल टाइम पर वीक, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, तो मैगजीन ए, ठीक है, मैगजीन ए हमें जो है ऊपर, चलो देखते हैं एक बार, तो मैगजीन ए पास इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ए रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन वन, 5 आवर्स ऑन मशीन टू एंड 2 आवर्स ऑन मशीन थ्री, वन टू फाइव, टू फाइव एंड टू रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 3 2 6, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 36 50 एंड 60, 36 50 एंड 60, ओके, तो ज्यादा कुछ करना नहीं आपको यहाँ पे, देयर फॉर कॉन्स्टेंट आप लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट, ओके, तो ये 2x+3y इज, अभी क्या मैक्सिमम का मिनिमम प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज तो लेस देन इक्वल टू लिखना है, लेस देन इक्वल टू 36, ये आएगा 5x+2y इज लेस देन इक्वल टू 50, और ये आएगा 2x+6y इज लेस देन इक्वल टू 60, ओके, तो ये कंस्टेंट हो गए, और नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको एक चार्ट बनाना है सिर्फ, और ये यहाँ पे कंस्टेंट निकाल दे, ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो ये 2 मार्क के लिए फॉर्मुलेट करना है सिर्फ हमें, एलटीपी, ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्टेंट। चलिए उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या है, ओके, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस बल्ब एंड ट्यूब, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे बल्ब एंड ट्यूब प्रोड्यूस कर रही है, ईच ऑफ दीज मस्ट बी प्रोसेस थ्रू टू मशीन्स M1 एंड M2, मतलब ये बल्ब एंड ट्यूब अगर मैन्युफैक्चर कर रही है 2 मशीन के थ्रू, M1 एंड M2, अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन वन, 3 आवर, जैसे ऊपर की जैसा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और RS 10, RS 50, ठीक है, और प्रॉफिट 1, ये अर्न प्रॉफिट दिया है मेरे को 13.5 पर पैकेज, ठीक है, 13.5 पर पैकेज दिया है हमें, एंड पर पैकेज बल्ब एंड 55 पर यूनिट पर पैकेज ऑफ ट्यूब, 55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब, तो यहाँ पे ये IS जो होगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पैकेज, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेज बल्ब प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर एक्स, ठीक है, लेट एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स बी द एक्स बी द नंबर ऑफ पैकेजेस, ठीक है, और M1, ठीक है, मशीन वन के लिए कर देंगे, अब प्रोड्यूस पैकेज ऑफ मैन्युफैक्चर बाय प्रोड्यूस पैकेज एक्स एंड, और ये एक्स का प्रोड्यूस पैकेज एक्स कर देंगे, एंड वाई बी द नंबर ऑफ पैकेजेस, नंबर ऑफ पैकेजेस, ठीक है, वाई बी द नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ ये बल्ब के लिए, ये बल्ब के लिए कर देंगे, और ये ऑफ ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब के लिए कर दिया, नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बल्ब है टू एक्स एंड वाई कर दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, ये प्रॉफिट जो हमने दिया है पैकेज कितना ये अर्न कर रहा है, तो ये जेड इज इक्वल टू आप लिख देंगे यहाँ पे 13.5x+55y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हो गया, ठीक है, ये ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल लिखेंगे आप तो सिर्फ एक्स एंड वाई किसी का है ये हमें यहाँ पे लिखना है, और अभी हम चार्ट बना देंगे उसका, तो 2 प्रकार के यहाँ पे पैकेजेस, एक बल्ब का है और एक ट्यूब का है, और मशीन कितने मशीन है 2, तो एक चार्ट बनाएंगे मशीन, ये आप लिखता हूँ मशीन, यहाँ पे M1 और मशीन M2, ठीक है, मशीन M1 है ना, M2, एक ऐसा एक चार्ट बना देते हैं यहाँ पे, उसके बाद में कंस्टेंट आपने हमें निकालने को भेजी जाएगा, ठीक है, M1 M2 यहाँ पे मशीन लिखता हूँ मैं, मशीन नीचे और ऊपर यहाँ पे आएगा
पैकेजेस तो मुझे पैकेजेस लिखता हूँ। पैकेजेस तो पैकेजेस क्या है, यहाँ पे बल्ब पहले लिया है, ठीक है, बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ट्यूब, ट्यूब्स, बल्ब एंड ट्यूब, और टोटल अवेलेबल कितना है हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल अवेलेबल टाइम, ठीक है, अवेलेबल टाइम, देखो अभी हम बल्ब कितने हैं, तो मशीन वन के लिए कितना लगेगा अवेलेबल टाइम, आवर में हम करें, मशीन वन के लिए पैकेज है 1 आवर वर्क, मशीन एम वन 3 आवर, मशीन एम टू, ठीक है, 1 M1 और 3 आवर मशीन एम टू, और ट्यूब्स के लिए कितना रहेगा, ट्यूब्स के लिए रहता है 2 एंड 4 दिया है, एंड मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम जो दिया है एटमोस्ट दिया है अपने, ध्यान रखो एटमोस्ट, जब एटमोस्ट वर्ड आएगा तब ये मैक्सिमाइज करना है मेरे, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है ये मेरे को, यहाँ पे 10 आवर्स एंड मशीन टू के लिए 12 आवर, 10 एंड 12, 10 आवर्स एंड 12 आवर, देखो एटमोस्ट जब सो गया तो अभी यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, देखो कंस्टेंट क्या आएगी, कंस्टेंट x+y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x+4y इज लेस देन इक्वल टू 12, ओके, और नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिख दिया आप, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे करना है आपको, ओके, क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके, ये हमने यहाँ पे कर लिया, ज्यादा तो सिंपल नहीं है, सिर्फ आपको चार्ट बनाना है, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो यहाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2, ईच टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्स टू रॉ मटेरियल, मतलब F1 एंड F2 ये फर्टिलाइजर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चार्ट दिया है सब, रिक्वायर मैन्युफैक्चर यूनिट F1 F2 अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल ए एंड बी पर डे आर गिवन इन द बिलो, ठीक है, सेलिंग F1 आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दो, ये हमें आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंपनी क्या करिए, कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, तो सपोज यहाँ पे एक्स जो मैं यहाँ पे F1 को ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स और F2 को ले लेता हूँ वाई, ठीक है, टोटल अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, लेट एक्स बी द फर्टिलाइजर F1, लेट एक्स बी द फर्टिलाइजर, ठीक है, F1 एंड वाई बी द फर्टिलाइजर F2, ठीक है, F1 एंड F2 हमने यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो गया, देखो यहाँ पे, देयरफॉर जेड इज इक्वल हम कर से लिख देंगे 500x+750y, ठीक है, 500x+750y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, ठीक है, कंस्टेंट देखो यहाँ पे, कंस्टेंट यानी यहाँ पे आपको ये टेबल जो फिर से नीचे लिखना पड़ा, मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई कर दिया उसको, ये क्या आएगा, 2x+3y इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, मैक्सिमम है 40 एंड है x+4y इज लेस देन इक्वल टू 70, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सिंपल दो लाइन में, आप दो तीन लाइन में, और आपको कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये तीन पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजों आपको यहाँ पे निकलना है, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फूड ए एंड बी टू फॉर्म अ वीकली डाइट, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड, ठीक है, ए एंड बी वीकली डाइट फॉर अ सिक पर्सन, मतलब डाइट के लिए दो प्रकार के फूड उनके डॉक्टर ने बनाए, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर 18, 20, 8 एंड 14 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब मिनिमम अवेलेबिलिटी कितना है आपको, ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, दो प्रकार के फूड ए एंड बी, तो आपको ये टेबल सेट होगा, और जो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोटीन्स जो है, तो प्रोटीन कितना है, तो फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो आपको ये तीन प्रकार यहाँ पे दिए, तो ये और ये आर पर यूनिट दैट ऑफ फूड बी 3.5 पर यूनिट, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, द प्राइस प्राइस दिया अभी देखो, कॉस्ट मैंने बोला प्राइस दिया 4.5 एंड 3.5, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एंड वाई आपने कंसिडर करना है, ठीक है, तो लेट द डाइट ऑफ सिक पर्सन इंक्लूड एक्स यूनिट्स ऑफ फूड ए एंड एक्स यूनिट ऑफ बी, लेट यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई बी द
यूनिट्स ऑफ फूड्स कर देंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ फूड्स और ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड आपको रिस्पेक्टिवली ध्यान रखना, मतलब ए एंड बी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है प्राइस ऑफ फूड, दिए 4.5x कर दो उसको एंड प्लस 3.5y, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे क्या करना है, एक चार्ट बना लेते हैं, क्या क्या दिया है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फूड टाइप्स एंड यहाँ पे दिया हमें इंटीग्रेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन दिया है, फैट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फूड टाइप, फूड टाइप, और यहाँ पे एक लाइन का खींच के यहाँ पे इसको यहाँ पे देखें इंटीग्रेट, ठीक है, इंग्रेडिएंट, ओके, ये फैट कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए, ओके, ये कैसे चार्ट बनाएंगे बाद में कंस्टेंट आपको आ जाएगा। हमारे पास तीन है, यहाँ पे तीन लेना पड़ेगा नीचे, ये ठीक है, फूड टाइप ए, फूड टाइप बी, टोटल अवेलेबल कितना है, ठीक है, फूड ए, फूड बी, फूड बी एंड मिनिमम अवेलेबल कितनी है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अवेलेबल कितना है हमारा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, जिसका रिक्वायरमेंट दिया है यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, अवेलेबल और रिक्वायरमेंट आप सकते हैं। देखो अभी हमें क्या दिया है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे दिया है दिया है जो, ठीक है, फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे दिया है फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे दिया है फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तो ये फूड ए के लिए कितना कंटेन कर रहा है, फूड ए के लिए कितना कर रहा है, देखो यहाँ पे एक फूड है 4 यूनिट्स ऑफ फैट्स, 14 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, 4, 14 एंड 8, ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको 4, 14 एंड 8। बी के लिए कितना है, तो बी के लिए देखो यहाँ पे क्या है, बी के यूनिट्स के लिए 6 यूनिट ऑफ फैट, 6, 12 एंड 8, 6, 12 एंड 8, टोटल एवरेज हमें दिया है, टोटल रिक्वायरमेंट कितना है 18, 28, 14, ठीक है, 18, 28 एंड 14, ओके। इससे हम अभी क्या करते हैं, कंस्टेंट बना देंगे, देयरफॉर कंस्टेंट क्या आएगा, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कंस्टेंट 4x plus 6y is less than equal, मिनिमम है क्या मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम यहाँ पे बोला मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट ध्यान में रखो, मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना है 18, सेकंड क्या आएगा 14x plus 12y is ग्रेटर देन इक्वल टू 28 एंड लास्ट का 8x plus 8y is ग्रेटर देन इक्वल टू 14। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, इस प्रकार हमने 7 एग्जांपल कर ली है यहाँ पे। सिर्फ आपको क्या करना है, कंस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये चीज आपको बनानी है, ये आपको दो दो मार्क के लिए एग्जांपल है, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए उसकी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।